देश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको लेकर ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है जिससे दरिंदे ऐसी कोई भी हरकत करने से डर सके। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इंदौर शहर में फेमिनिज्म इन इंडिया नामक सोसाइटी का शुभारंभ किया गया, जिसे ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टॉक शो के रूप में शुक्रवार को शहर में स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस आयोजन में शहर से जुड़ी कई संस्थाओं की महिलाएं, गृहिणियां, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर, शिक्षिका, सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई हिस्सों में जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। देश में हो रही रेप केस की घटनाओं पर अपने कई तरह से अहम सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंची शहर की नामचीन हस्ती और पद्मश्री जनक पलटा, पुलिस विभाग से वंदना चौहान, महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा को आमंत्रित किया गया था। फेमिनिज्म इन इंडिया टॉक शो में अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं ने स्त्रियों के प्रति होने वाले भेदभाव, हिंसा और शोषण के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज किया और इस बात पर जोर दिया कि पुरुषों को भी संस्कारित करने की जरूरत है ताकि वे घर परिवार और समाज में स्त्रियों के प्रति स्वस्थ नजरिया रखे और उन्हें सम्मान दे सके। इस टॉक शो में कहा गया कि महिलाओं को उनसे जुड़े तमाम कानूनों को जानने की जरूरत है और आत्मरक्षा करना सिखाना भी जरूरी है। पद्मश्री जनक पलटा ने इस टॉक शो में कहा कि दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं की बजाय लड़कों और पुरुषों के बीच ये बातें होनी चाहिए, जिससे उनमें महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ सके। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समस्या की जड़ हमारे समाज में है, क्योंकि हमने हमेशा लड़कियों को संस्कारित होना सिखाया है, जबकि लड़कों और पुरुषों को आज के समय में संस्कारित करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले सबसे पहली जो हमारे यहाँ लोगों की आत्मा भ्रष्ट हो गई है परिवार के अंदर, हमारे यहाँ वो शिक्षा जो लड़के और लड़की को बराबरी से मिलने चाहिए कि वो एक इंसान है और वो मानव है, महिला है, मानवता एक पक्षी है, उसके दो पंख हैं, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं और वो दोनों अच्छे इंसान बने, अच्छे अपने जीवन को, अपना जो भौतिक जीवन है अच्छा बनाए, सामाजिक जीवन अच्छा बनाए, उनकी मानसिकता अच्छी हो, उनका चरित्र अच्छा हो। तो ये शिक्षा समाज में, परिवार में शुरू होती है, माँ बाप कैसे हैं वहाँ से शुरू होती है, बच्चे वैसे होंगे जैसे माँ बाप होते हैं। दूसरी बात की समस्या है हमारे पड़ोस की। अभी कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक आर्किटेक्चर की बैठक में बुलाया गया, होटल फॉर्च्यून में, तो फॉर्च्यून था वो, कि आप चीफ गेस्ट हैं। मैंने उनको बोला आर्किटेक्चर की बैठक में मुझे क्यों बुला रहे हैं आप। उन्होंने बोला नहीं, आपकी बात हम सुनना चाहते हैं जो आप कहती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा जीवन है समेत हमारे घर का डिजाइन, वो सारा हमने बदल लिया है, वो हमने ऐसा बना लिया है कि हम किसी को देख ना सके, हमारा दर्द किसी को पता नहीं चले। एक जमाना था जब कटोरी इधर से उधर जाती थी, एक चीज बनी है तो जब तक पड़ोसी कहाँ गए थे, कैसा है, खड़ी होके बात करती थी आज पड़ोस की, दुख भी पता चलता था, सुख भी। अब अंदर लड़की टंगी रह जाती है, किसी को पता नहीं चलता, जब पुलिस मीडिया में बात छपती है तो पता चलता है कि एक लड़की अंदर फांसी टांग लिया उसने अपने आप को, ससुराल से तंग करके, पति से तंग आके। या ऐसी भी महिलाएं हैं शहर में जो कितने साल वो लड़की अपने यहाँ पढ़ी रही कोमा में, एक बड़ी सुंदर लड़की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, अभी कविता है उसका केस। मतलब खाली ये बात केवल रेप या केवल इसकी बात नहीं है, पूरी मानसिकता, मुझे लगता है इसकी जड़ हमारी आत्मा है। पहले हमारी आत्मा जो है वो पवित्रता आत्मा में जो होती थी कि जो हम कर रहे हैं ईश्वर हमें देख रहा है, उस ईश्वर का डर इतना था, हम तो उसी में बड़े हुए थे, हमें केवल यही पता था कि ये बात गंदी है, ये अच्छी है, हमें नहीं करनी क्योंकि ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर का डर था। दूसरा पड़ोस का, समाज का डर था।
वहीं पुलिस विभाग से मौजूद अतिथि वंदना चौहान ने कहा कि शहर की आबादी लगभग 30 लाख है, इसके अनुपात में केवल 4,500 पुलिसकर्मी हैं। ऐसे में अपराधों को रोकने के लिए यह बल पर्याप्त नहीं है, लेकिन समाज भी अगर अपना योगदान दे तो सुरक्षा करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर भारती मांडोले द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने महिलाओं के लिए बनाई गई कई सारी योजनाओं की जानकारी दी। आखिरी में भारती मांडोले ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेप केस के प्रत्येक अपराधी को फांसी की सजा तक पहुंचाना है, जिससे देश में तेजी से बढ़ती इस घटना पर रोक लग सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।